हेलो फ्रेंड्स, दस्तरखाने वारसिया में आप सभी का स्वागत है। मैं शाहिदा वारसिया। तो आज हमने बनाया है तंगड़ी कबाब, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था, और ये तंगड़ी 25 हैं, 25 पीस हैं। तो इसको हमने पहले 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखा था, बहुत ही ठंडे ठंडे हमने निकाल के फिर 1 घंटा बाहर रखा, और ये बॉईल पानी में इन सबको डाल दिया। साथ में इसमें नमक, आधा नींबू और कुछ गरम मसाले डाल के इसको बॉईल करने के लिए रखा है। तो यहाँ पर देखिए हल्का हल्का सा बॉईल आने वाला है। तो ये देख रहे हैं आप, इसमें सब ऑयल भी छूट गया है इसका, और ये हल्का हल्का बॉईल आने वाला है ना। तो मैं अब बस क्या करूँगी, गैस बंद करके इसे ढक के रख दूँगी, और जब तक ये खुद से ठंडा ना हो जाएगा तब तक के हम इसे खोलेंगे नहीं। और अब ये देखिए वाइट हो गया है। अब यहाँ पर ये देखिए ठंडा हो गया है, तो मैं इसको निकाल के बाहर रख रही हूँ बारी बारी से सबको। ये इस तरह से उबल के देखिए पानी पूरा तेल तेल जैसा हो गया है ना। अब हम इसको सबको निकाल के बाहर रख लेंगे। तो इस तरह से मैंने सभी पीसेस को निकाल के बाहर रख लिया है, और इसका सारा पानी सूख गया है अब। तो अब मैं इसमें मसाला डालूंगी। तो मसाले में सबसे पहले मैं यहाँ पर डालूंगी मिर्च पाउडर, तो 1 टीस्पून मैंने डाल दिया, आधा टीस्पून और इसी में हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक और आधा टीस्पून और। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, इसी में मैं डालूंगी यहाँ पर मांदी मसाला। आपने मेरा वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने मांदी का बिरयानी बना के बताया था, तो ये वही मसाला है। तो ये भी मैंने 1.5 टीस्पून डाल दिया है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसमें। और 100 ग्राम यहाँ पर मैं इसी में दही भी डाल रही हूँ। दही खट्टा नहीं लेना है, दही ताज़ा फ्रेश लेना है। और 1 टेबल स्पून थोड़ा सा ज़्यादा मैं डाल रही हूँ जिंजर और गार्लिक पेस्ट। साथ में मैं एक हाथ भर के यहाँ पे व्हीट फ्लोर यानी कि गेहूं का आटा मिला रही हूँ, ताकि इसका अच्छे से बाइंडिंग हो सके। मिर्च कम लग रही थी मुझे, तो मैं 1/2 टीस्पून मैंने और डाल दिया है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि ये पीसेस टूटे भी नहीं और हर एक पर मसाला सही से लग जाए। तो इसे धीरे धीरे संभाल के हमें सब पे मसाला लगाना है, हर पीस को पकड़ पकड़ के लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारे सभी मसाले लग गए हैं, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये सब। और अब मैं इसे पूरी रात के लिए इसको रख दूंगी, मैं सुबह बनाऊंगी इसे, क्योंकि हमें ये ओल्ड एज होम में देना है, तो मॉर्निंग में ही हमें देना है। तो यहाँ पर हम उसी पीसेस को पहले क्या कर रहे हैं, आटे में कवर कर रहे हैं आटे का, ये गेहूँ का आटा है। उसके बाद इस तरह से सबको लगा के रख देंगे, और उसके बाद हम अंडे में डीप करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर ये ओट्स में इसको कवर करेंगे। तो अब मैं इसको अंडे में डीप कर रही हूँ, पहले सब करके रख लेंगे तो फिर फ्राई करेंगे तो आसान पड़ेगा। इसके बाद हमने अंडे में इसको नमक, मिर्च और थोड़ा सा नींबू निचोड़ के अंडे में लिया है, ये 4 अंडे हैं। और यहाँ पर हम इसको ओट्स का कवर कर रहे हैं, इस तरह से ओट्स इसको अच्छे से चिपक जाएंगे, क्योंकि 2 कोटिंग हो गई ना, एक तो गेहूं के आटे की हमने पहले दी मसाले के ऊपर, उसके बाद अंडे में डीप किया, फिर हम इसको अब ये ओट्स लगा रहे हैं। इस तरह से हमने सारे पीसेस को करके रख लेना है, तो हमें फ्राई करने में आसान पड़ेगा। और यहाँ मेरी बेटी मेरी मदद कर रही है, जिसे मैं सिखा रही हूँ कि उसे कैसे करना है। यहाँ से निकालिए और लेफ्ट हैंड से करिए, ये मैं उसको कह रही हूँ, और ये वो बेचारी मेरी मदद कर रही है। इस तरह से सभी को हमें ओट्स में लपेट के अच्छे से रखना है, और ओट्स का लगने के बाद अपनी मुट्ठी से इस पीस को अच्छे से दबा लेना है, ताकि ओट्स बाहर झड़े नहीं। तो हमने सभी पीस को इस तरह से कर लिया,
और ये हमारे लिए आसानी हो गई कि अब हम जब फ्राई करेंगे तो फटाफट ये से फ्राई हो जाएंगे और अंदर तक ये गल जाएंगे क्योंकि हमने इसे सबसे पहले बॉईल कर लिया था। तो अब हमारे सारे पीसेस हो गए हैं, तो चलिए अब इसको तल भी लेते हैं। तलने के लिए यहाँ पे हमें डीप फ्राई करना है, तो हमने ऑयल ज़्यादा लिया हुआ है। एक बार में मैं कम से कम 6 पीस तलूंगी क्योंकि ये हमारा बर्तन उतना ही लेगा, और अच्छे से ये हमें डीप फ्राई कर लेना है। और ये यकीन जानिए बहुत ही टेस्टी है, और ये बहुत टेस्टी बना है। और हमने इसे ओल्ड एज होम में दिया था, आपने हमारा वो वीडियो देखा होगा जिसमें हमने ओल्ड एज होम में वेज बिरयानी दी, साथ में वेज कबाब भी दिया। वेज कबाब का वीडियो मैं अगली बार आपको डालूंगी, लेकिन यहाँ पर हम ये तंगड़ी फ्राई कबाब जो है वो कैसे हमने बनाया था उसमें रख के दिया है। तो ये किस तरह से बना देख रहे हैं आप, कितना आसान तरीके से, और एक भी ओट्स निकल नहीं रहे हैं, आप ये देख रहे होंगे ना, इतना अच्छे से पकड़ लिया है इसके, क्योंकि दो बाइंडिंग हमने की हुई थी ना इसके ऊपर, आटे की और अंडे की। तो इस तरह से ये वेज कबाब है हमारे, जो हमने इसका वीडियो अगली बार आपको देना है, ये भी हमने वहाँ पे दिया था। और ये हमारी सब तंगड़ी कबाब जो है वो फ्राई हो गई हैं, इस तरह से ये रेडी हो गई हैं, और बहुत ही टेस्टी लाजवाब सी बनी है। और कितना आसान ट्रिक से हमने आपको बताया है ना। अगर आपको हमारी ये ट्रिक अच्छी लगती है तो हमें कमेंट ज़रूर करके बताइए कि आपने क्या इसे ट्राई किया, और अगर आपने बनाया तो इसका टेस्ट आपको कैसे लगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे तंगड़ी कबाब तैयार हैं, इसकी खूबसूरती आप देख ही सकते हैं, और मज़ा तो बहुत ही लाजवाब है। और इसको हमने फिर ओल्ड एज होम में इस तरह से पैक करके सबको वहाँ पे दिया। तो फ्रेंड्स, आपने हमारा ये ओल्ड एज होम का वीडियो देखा होगा, अगर देखा है तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बहुत सारे दोस्तों में शेयर करिए ताकि मेरे चैनल को ग्रो होने में मदद मिले। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।